हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूं सुमित। आज मैं लेके आ गया हूं यहां पे Redmi K20 Pro की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू। सो देख सकते हैं यहां पे हमको मिल जाती है EMI की ब्रांडिंग और बैक साइड में हमको मिल जाता है यहां पे K20। सो दोस्तों, ये K20 Pro है और ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 6GB रैम और 128GB इंटरनल वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइस अराउंड 26,000 रुपीज है। अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, पर यहां पे ये 11th ऑफ जून 2019 को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं खोल के देखता हूं इस बॉक्स को, इसके अंदर क्या क्या है। सो हमको यहाँ पे बॉक्स के अंदर मिल जाता है यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल, और यहाँ पे बैक कवर भी यहाँ पे दिया गया है रेडमी की तरफ से। और ये हमारा जो स्मार्टफोन ये आ गया हमारे पास, ये रेडमी K20 Pro, ये जो यहाँ पे फ्लेम रेड कलर है दोस्तों, ये स्मार्टफोन ग्लेशियर ब्लू, फ्लेम रेड और कार्बन ब्लैक, ऐसे तीन कलर में आता है। और हमारे पास अभी यहाँ पे फ्लेम रेड कलर है दोस्तों। काफ़ी यूनिक सा यहाँ पे डिज़ाइन लग रहा है फर्स्ट लुक में। तो चलो बॉक्स के अंदर के एक्सेसरीज देख लेते हैं क्या क्या है। हमको यहाँ पे एक चार्जर गिफ्ट दिया गया दोस्तों, जो 27 वॉट का यहाँ पे चार्जर है, और यहाँ पे एक सी टाइप की यूएसबी पोर्ट केबल भी थी। सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड फ्लेम जो कलर है, यहाँ पे पीछे रेडमी की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पे इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे ये जो डार्क रेड है और बीच में यहाँ पे ब्लैक है। सो बॉटम में हमको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाता है। सो काफी बढ़िया यहाँ पे फर्स्ट लुक तो लग रहा है दोस्तों स्मार्टफोन का। सो हम आगे और रिव्यू करेंगे तो देखेंगे क्या क्या है स्मार्टफोन के अंदर। और यहाँ पे पीछे हमको यहाँ पे बैक कैमरा दिया गया है, ट्रिपल कैमरा बैक कैमरा, यहाँ पे पॉपअप कैमरा फ्रंट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 27 मेगापिक्सल का ये जो 20 मेगापिक्सल का ये कैमरा है दोस्तों। और यहाँ पे इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर हमको दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है दोस्तों, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप फोन को अनलॉक कर देता है। सो काफी यूनिक सा यहाँ पे डिजाइन है दोस्तों। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो हमको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है यहाँ पे 1080p वाली 6.39 इंच की। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमको यहाँ पे पॉपअप कैमरा मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का, देख सकते हैं दोस्तों काफी बढ़िया है। यहाँ पे जो लाइट भी यहाँ पे करता है दोस्तों, जब लाइट बंद होगी तब यहाँ पे लाइट दिखती है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पे कोटिंग भी दी गई है इसको। सो काफी यहाँ पे यूनिक डिजाइन लग रहा है दोस्तों। मैकेनिकल कैमरा इसको बोलते हैं, मोटराइज्ड कैमरा। और साइड में बात करें तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स कीज मिल जाती है, देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन पावर ऑफ की हमको कीज मिल जाती है। और यहाँ पे स्मार्टफोन काफी बढ़िया है दोस्तों इस प्राइस रेंज में 26,000 के। और ऊपर के साइड में हमको यहाँ पे 3.5mm का यहाँ पे ऑडियो जैक मिल जाता है, और यहाँ पे पॉपअप कैमरा फ्रंट साइड में ऊपर के साइड में दिया गया है। और यहाँ पे काफी यूनिक यहाँ पे डिजाइन है दोस्तों यहाँ पे पॉपअप कैमरा का। और यहाँ पे बॉटम में हमको सी टाइप का यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे स्पीकर भी मिल जाते हैं बॉटम में, और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल ट्रे भी यहाँ पे मिल जाता है हमको, सिम ट्रे। और जो सिम ट्रे है दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिड सिम ट्रे है दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे वन मेमोरी कार्ड एंड वन सिम कार्ड यूज कर सकते हैं, या दोनों सिम कार्ड भी यूज कर सकते हैं। सो हाइब्रिड ट्रे है दोस्तों ये। और यहाँ पे जो ट्रिपल कैमरा है जो हमको यहाँ पे बैक साइड में दिया गया दोस्तों, काफी बढ़िया ट्रिपल कैमरा का यहाँ पे उन्होंने पोजीशन किया है, काफी यहाँ पे यूनिक सा लग रहा है दोस्तों। ये जो ट्रिपल कैमरा है दोस्तों, उसमें से यहाँ पे वन एक जो कैमरा है वो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का है, जो आ रहा है सोनी IMX सेंसर 486 के साथ। और यहाँ पे जो दो वाइड एंगल कैमराज और यहाँ पे एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है दोस्तों, एक यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे एक 13 मेगापिक्सल का है। सो यहाँ पे पीछे हमको रेडमी की ब्रांडिंग मिल जाती है। सो दोस्तों, ये स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक काफी बढ़िया है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 855 यूज किया गया, रैम यहाँ पे 6GB और 128GB है, और यहाँ पे 4000mAh की बैटरी के साथ ही आता है दोस्तों। और यहाँ पे 26W का इसको हमको यहाँ पे चार्जिंग का यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन। इसका एक वेरिएंट 8GB में भी आता है दोस्तों, उसकी प्राइस अराउंड यहाँ पे 30,000 रुपीज़ है। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, हाल फिलहाल ये स्मार्टफोन यहाँ पे एंड्रॉइड के पाई वर्जन पे वर्क कर रहा है, और Xiaomi UI 10.3 यहाँ पे इसके अंदर चल रही है फिलहाल। सो ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड क्यू के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, एंड्रॉयड क्यू बीटा प्रोग्राम में इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। सो दोस्तों, रियर कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे
फ्रंट कैमरा को या स्मार्टफोन को यहाँ पे हिलाते हैं तो फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे अपने आप अंदर चला जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन को जो राइजिंग कैमरा है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो जो है अंदर चला जाता है ऑटोमेटिकली। देख सकते हैं जैसे हम इसको टिल्ट करते हैं तो ये अपने आप अंदर चला जाता है। सो काफी बढ़िया इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पे स्मार्टफोन के जो राइजिंग कैमरा पॉपअप कैमरा है उसको सपोर्ट करने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन काफी बढ़िया है दोस्तों, इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया लगी मुझको, और यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन यहाँ पे आ रहा है। सो दोस्तों इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट ऑफर्स और यहाँ पे मोबाइल अनबॉक्सिंग की वीडियो यहाँ पे लाते रहता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।